हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में टास्क से रिलेटेड हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, तो अब हम लोग टास्क से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऊपर हमने आपको लिख भी दिया है कि टास्क से संबंधित प्रश्न जो है उसका हम जो है सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज वही आपका 15.1 ही है, ठीक है। हम लोग सिर्फ टास्क का जो क्वेश्चन होगा ना वही सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो आप बुक में देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कितना नंबर हुआ 14 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, एक पत्ता जो निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। लाल रंग का बादशाह, एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, ठीक है। कुल पत्तों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आप हमको बताते हैं। तो देखिए कितना होता है बाबू, 52, ठीक है। ताश के कुल गड्डी में पत्तों की संख्या 52। अब जिसके जिसके प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा हम उसकी संख्या लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी निकालते चलेंगे, प्रायिकता निकालते चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, कह रहा लाल रंग का बादशाह। यहां लिखेंगे लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह की संख्या। तो लाल रंग का बादशाह कितना होता है बाबू, बताइए जरा। देखिए हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा आप समझ लेंगे, ठीक है। ताश जो होता है बाबू कितने होते हैं, 52, ठीक है। और 52 होते हैं जिसको चार समूह में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है। तो बादशाह जो होता है ना, प्रत्येक समूह में बादशाह होता है। ये प्रत्येक समूह में क्या होता है, बादशाह होता है। यानी कि इसमें बादशाह एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, यानी कि कुल बादशाह कितने, चार बादशाह होते हैं। लेकिन ये कह रहा है ना कि लाल रंग का, तो कोई दो ही समूह में ना रेड होगा और दो तो ब्लैक होता, दो क्या होता है, ब्लैक, और दो समूह क्या होता है, रेड। तो बादशाह की संख्या कितनी होगी, दो। कितने हो गए बाबू, दो, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह की संख्या कितना, दो, ठीक है। अब पी से प्रोबेबिलिटी, और ये लिख देंगे लाल रंग का बादशाह, जिसकी संख्या कितने बाबू, टोटल दो। कुल कितने हैं पत्ते, 52। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती है उसकी संख्या आप कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और टोटल संख्या नीचे लिखा जाता है। तो 52 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है दो, और कुल पत्तों की संख्या 52। आप कटाएंगे तो ऊपर एक, दो से कितने बार में कटेगा, दो से ये कितने बार में कटेगा बाबू, 26, 26 दूना 52 होगा, तो 1/26 होगा, वही आपका आंसर होगा, समझ पा रहा। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तो तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं बाबू, 12 होता है, कितने होते हैं 12, क्योंकि इसमें तीन, इसमें भी तीन। तस्वीर वाला पत्ता किसको कहते हैं, बादशाह बेगम गुलाब, तो इसे तीन, तीन चौका 12 होते हैं, कल आपको बताया हुआ था। तो 12 पी से प्रोबेबिलिटी, और तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता निकालना, तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता निकालना, ठीक है। तो कुल संख्या 12, नीचे क्या होगा बाबू, 52। कटाएंगे 13 चौका 52 और 3 चौका 12, ठीक है। तो 3/3 कितना हो गया, 13, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ रहे। दूसरा, उसी तरह से तीसरा नंबर आप देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है ना आप खुद अपने से भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कहा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चलिए देखते हैं, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पत्तों की संख्या लाल रंग का, तो लाल रंग में कौन से बाबू, इसमें 3 और 3 6, प्रोबेबिलिटी यानी देंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 बटा कितना बाबू 52 घटा देंगे, घटाएंगे ना, कैसे कटेगा, 2 3 6 ठीक है, या आप 3 से तो ये कटेगा नहीं, 2 या 3 से कटा दीजिए, 3 2 6 26 गुना 52, 3 बटा कितना हो गया 26, ये आपका आंसर हो गया, समझ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पान का गुलाब, भूखुन का पत्ता और ईद की बेगम, ये सब क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से बनाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 में, जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है उसको ना आप खुद अपने से बना दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को ना पॉज करके आप उसको नोट कर लेंगे सही से, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, वो क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, करा ताश के 5 पत्ता है, ताश के कितने पत्ते हैं 5, ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और रिक्का को पलट कर अच्छी तरह पीट दिया जाता है, इनमें से यत्र छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता बेगम, ताश के कुल कितने पत्ते हैं 5 ही पत्ता है, ज्यादा नहीं, ठीक है, हम यहां लिखेंगे ताश के 5 पत्तों, 5 पत्तों कौन कौन है, तो ईंट, ईंट है, ईंट, ईंट का दहला, ईंट का दहला है, गुलाम, दहला मतलब 10, ईंट का दहला, गुलाम, फिर बेगम, ठीक है, बेगम है, फिर बादशाह और इक्का, बादशाह और क्या बाबू इक्का, इक्का को पलट कर अच्छी तरह से फेंका जाता है, तो सबसे पहले हम लोग किसका किसका दहला, ईंट का, ईंट में, तो कुल ईंट में ताश के क्या लिखेंगे, ताश के समूह, समूह ईंट होता है बाबू, ईंट में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, ईंट जो होता है ना वो समूह होता है, ठीक है, समूह जो होते हैं बाबू वो 4 होते हैं, कितने समूह 4 होते हैं, तो ईंट में कुल कितने पत्ते होंगे 13, प्रत्येक समूह में जो 13 होगा, और कुल पत्ता कितना हो गया, कुल पत्ता ये कुल कितने पत्ते हैं 5 पत्ते, कितने पत्ते हैं 5 पत्ते, ठीक है, और ईंट में कुल कितने हैं 13, समझ में आ रहा, और 5 पत्ते में से अब देखिए इनमें से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बेगम, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बेगम है, ठीक है, बेगम, तो कुल पत्ते कितने हैं बाबू, ये कुल कितने पत्ते हैं 1 2 3 4 5, कुल कितने पत्ते हैं 5, तो ये हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो कुल पत्ते हैं, और कुल पत्तों जो है इसमें आपको 5 है, इसी में से आपको बेगम को निकालना है, तो बेगम इसमें कितने है, 5 पत्ते में बेगम कितनी है बाबू, बेगम की संख्या बताइए कितनी है 1 है, तो पीछे प्रोबेबिलिटी किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, बेगम की, तो बेगम 1 बटा कितना 5, कुल पत्ते 5 ही पत्ता में से निकालने के लिए कह रहा है, ये आपसे नहीं कह रहा पूरे ताश में से निकालने के लिए कह रहा, पूरे ताश में से निकालने के लिए कह रहा, तो नीचे 52 लिख, और यहाँ बेगम पूरे ताश में बेगम 4 होगा, ठीक है, तो 4 होगा, लेकिन कह रहा है 5 ही पत्ता में निकालना, तो 5 ही पत्ता में बेगम ने कुल पत्ता कितना 5, क्लियर, अब यदि बेगम निकल जाती है, बेगम निकाल अलग रख दिया जाता है, तो कुल कितने पत्ते हो जाते हैं बाबू 4 पत्ते हो जाएगा, बेगम को अगर आप अलग निकाल के रख दीजिएगा तो वो तो अलग हो जाएगी ना, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर निकाल के रख दिया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकला हुआ पत्ता 1 इक्का, इक्का इसमें कब हुआ है चेक करिए, कितने हैं 1 है, कितने हैं बाबू 1 है, जब 1 हो जाएगा तो 1 होगा, तो 1 होगा तो इक्का दूसरा निकाला गया पत्ता 1 इक्का होगा, दूसरा निकालेंगे तो इको की संख्या कितना, ये पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर में फर्स्ट नंबर आप देखिए इको की प्रायिकता, इक्का इसमें कितना है 1 है, और कुल कितने पत्ते हैं
जब इका बाहर निकल जाएगा तो एक होगा चार, फुल टोटल चार हो जाएगा, इका निकाल दिया जाता है, बेगम निकाल दिया जाता है, बी नंबर एक बेगम, तो बेगम बेगम जब निकल जाएगी तो उसकी प्राइम का जीरो बटा चार, आंसर कितना जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ताश में का ये क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ, और आप इससे एक्सरसाइज जो है बना लीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी का जो एक्सरसाइज है वो आपका समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू।